एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, साथ में जगत जननी भवानी माँ पार्वती भी वहीं विद्यमान थी। भोले बाबा थोड़ा समाधि में बैठ गए, सोई नारद जी आए, माता जी जय जय सीताराम। हाँ सीताराम सीताराम। माता जी भोले बाबा कहाँ? साधना में। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा माता जी भोले बाबा को साधना में, आपको कुछ रहस्य पता है भोले बाबा? बोले क्या? तीन रहस्य हैं शंकर जी के। क्या रहस्य हैं? अरे देवी जी माता जी, पहला रहस्य तो ये है कि तुम्हारे भोले बाबा की पहले भी शादी हो चुकी। पार्वती जी बोली, क्या बोल रहे? बोले ठीक कह रहे हैं। पूछ लेना, आपको पता नहीं होगा इसलिए हमने सोचा बता दें। फिर तो आपको ये भी पता नहीं होगा जो मुंडों की माला है वो किसी की है, और ये जो भस्म लगाते हैं इसका पता है रहस्य? बिल्कुल। बेटा तुम्हें पता है, तुम बताओ। नारद जी बोले, हम बता नहीं सकते, किसी के गोपनीय मैटर में हम पढ़ते नहीं। पार्वती माता जी बोली, जय हो, आगी लगा के चल दो, तुमने बता रहे नहीं हो, आगी लगा दी, जय हो जय हो। नारद जी बोले, अच्छा माता जी प्रणाम। पार्वती माता बोली, ठीक है जाओ। गए नारद जी। अब भोले बाबा समाधि से जगे, सोई कहा, देवी जी सीताराम। लेकिन माताओं की आदत तो होती है कोई बात दिमाग में बैठ जाए सोई घूमत रहा। भोले बाबा ने कहा, देवी जी सीताराम। पार्वती जी बोली, वही पहली बारी से करो। भोले बाबा समझ नहीं पाए, ये क्या उल्टा सिस्टम है। अरे देवी जी क्या हो गया? शंकर जी तो समझ गए, कहीं नारद जी तो नहीं आए? धीरे से सिर हिलाओ, हो आए तो थे। शंकर जी बोले, कुशल है, बातों से काम चल रही बनना वे, जहाँ जाते हैं वहाँ तो आग ये लगा था। देवी जी ये कौन है, किसका नाम ले रही, किससे सीताराम करे? महाराज आज बाद में सीताराम होगी, हमने सुना है आपकी पहले भी शादी हो चुकी है, बताओ किससे हुई? अच्छा और कोई प्रश्न? हाँ महाराज, मुंडों की माला किसकी है? और कोई प्रश्न? ये महाराज भस्म किसकी है? सुनो देवी जी, हमारा पहले भी विवाह हो चुका, लेकिन वो किसी और से नहीं, पूर्व जन्म में तुम ही सती थी, इसलिए तुमसे ही हमारा पहले विवाह हो चुका है। अच्छा महाराज, ये मुंडों की माला, ये मुंडों की माला भी तुम्हारी ही है? हमारी? देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जहां भी जब भी तुम्हारा शरीर त्याज्य होता है, जब तुम चली जाती हो, तो देवी हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे मुंड को उठा करके हम अपने हृदय के पास लटका लेते हैं। अच्छा महाराज ये भस्म? बोले ये रघुना, ये राम नाम के प्रभाव की भस्म। अच्छा महाराज शंकर जी भस्म क्यों लगाते? एक बार एक मुर्दा जा रहा था, मुर्दा के पीछे बहुत से लोग गाँव वाले, एक आदमी मर गया जिसका नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु मर गया, बहुत से लोग पीछे थे, सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। शंकर जी ने कहा, वाह ये लोग कितने अच्छे हैं, राम नाम सत्य कह रहे। तो शंकर जी भी पीछे खड़े हो गए, और पीछे पीछे शंकर जी भी चलने लगे, क्योंकि जहां राम वहीं भोले नाथ। तो शंकर जी भी कहने लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पहुंचे, सो जो लोग गाँव वाले आए थे, जहां मुर्दा को रखा वो आग लगाई, तो जो गाँव वाले राम नाम सत्य कह रहे थे, सब बदल गए दो मिनट में। अब तो खुसर फुसर करने लगे एक दूसरे से, अच्छा भैया तुम्हें कब पता लगा ये कैसे मर गए गोपाल टिल्लू गुरु? सो दूसरा बोला, अरे भैया क्या बताएं, हम तो दुकान जा रहे थे, तब तक बच्चा दौड़ते हुए आया कि पापा 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 टिल्लू गुरु तबक गए। तीसरा बोला, अब हमारी मत पूछो। बोले क्यों, हम क्या बताएं, हम तो जा रहे थे बिजली को बिल भर, इन्हें आ जाइए मरने तो संदेहा ना मरती। शंकर जी बोले, अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कहीं दुकान याद आ गई, कहीं मकान याद आ गया, कहीं बिल याद आ गया, ये तो सब फर्जी है। लेकिन शंकर जी ने देखा कि जिसके कारण ये राम नाम सत्य कह रहे थे वो तो बेचारा जल ही गया, लेकिन जल गया सो क्या हुआ, कम से कम इसके कारण कुछ देर ही तो सही इन लोगों ने राम नाम सत्य कहा, उसी भस्म में शंकर जी लौट गए। तब से भोले बाबा को भस्म चिता भस्म ले पहा, शंकर जी को भस्म प्रिय है। भोलेनाथ बोले, राम जी के कारण हमारे शरीर में भस्म है, पर देवी जी तुम्हारे मन में ये कौतुक क्यों जगा? पार्वती जी बोली, महाराज और तो सब ठीक है, आपने ऐसा कौन सा रस पी लिया है कि आप मरते ही नहीं हो, केवल हम ही हम मरते हैं। कौन सा रस पी लिया? हाँ बात अच्छी देवी जी, हमने अमर कथा का पान किया है। देवी हमने भगवान की अमृत रूपी कथा का पान कर रखा है, इससे क्या होता, मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाती। महाराज हमको भी सुनाओ। ठीक है देवी जी, सावधान पूर्वक सुनना। जी महाराज। भगवान ने माता पार्वती जी को सामने बैठाया, और अमर कथा कहते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा ही अमर कथा है।
सुनाना प्रारंभ किया, डमरू को बजाया, सब कैलाश के पक्षी उड़ गए, लेकिन एक छोटा सा सुख का बच्चा, तोता का बच्चा उसी वृक्ष के ऊपर रहता था, छोटा था, नन्ना था। माता पिता तो उड़ गए डमरू की तेज गर्जना को सुनकर, पर वो नहीं उड़ पाया। भगवान की मंगलमयी कथा सुनाना भगवान शंकर ने प्रारंभ किया, तो पार्वती जी ने कथा सुनी और हुआ क्या, नींद लग गई। नींद लागी, शंकर जी सुनाते रहे, लेकिन जो तोता का बच्चा ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था, वह तोता का बच्चा जवाब देने लगा। शंकर जी ने कथा पूर्ण की, पार्वती जी, जी महाराज, कथा सुनी? हाँ महाराज सुनी। अच्छा बताओ क्या क्या सुना? जहां तक सुनी थी वहां तक तो पार्वती माता जी ने ठीक बताई, फिर बताने लगी जबलपुर पना। शंकर जी समझ गए साहब गड़बड़ है, देवी जी कहीं सो तो नहीं गई थी, तो धीरे से सिर हिला के तब थोड़ी सी नींद लग गई। लेकिन शंकर जी सोचने लगे, भाई नींद लग गई थी फिर हमारी कथा सुनी किसने, जवाब किसने दिया? ऊपर की तरफ देखा ध्यान करके, तोते का बच्चा, सोई शंकर जी ने त्रिशूल लिया मारने के लिए, तुमने हमारी कथा चोरी कर ली। अब वो कथा सुनकर इतना चेतन हो गया था सुख का बच्चा, भागने लगा, आगे आगे तोते का बच्चा, सुख का बच्चा, पीछे पीछे शंकर जी। रुक जा, नहीं रुका। उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी धान सूपा में लेकर भटक रही थी, उनको जमुहाई आई। अब तोता ने सोचा कि और तो बचना मुश्किल है, सोई जमुहाई के माध्यम से मुंह में प्रवेश होकर गर्भ में पहुंच गए। शंकर जी दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर आए, वेद व्यास जी खड़े थे, महाराज कहां जा रहे? तो शंकर जी बोले, वेद व्यास जी तुम्हारे भीतर हमारा दुश्मन घुस गया, एक चोर है हमारा। महाराज तुम्हारी क्या चोरी कर ली, तुम तो कुछ संपत्ति रखते ही नहीं हो, आपके यहाँ संपत्ति के नाम पर क्या है जो चोरी हो जाए? महाराज बोले, हमारी संपत्ति चोरी नहीं हुई, कथा चोरी हुई। बोलो सीताराम, क्या चोरी हुई? कथा चोरी, धन्य है महाराज। अच्छा कथा कौन सी चोरी हुई? अमर कथा। उसको क्यों ढूंढ रहे? अरे बोले निकालो, हम मारेंगे। महाराज अमर कथा का फल क्या है? भाई अमर कथा का फल है कि जो अमर कथा सुनता है वो मरता नहीं। वेद व्यास जी बोले, इसीलिए तुम्हारा नाम भोला है। बोले क्यों? बोले जब जिसने अमर कथा सुन ली, जब उसे मरना ही नहीं है, तो तुम त्रिशूल ले गए घूम रहे। शंकर जी को तब याद आया, अरे राम 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 राम। कोई बात नहीं महाराज, अब ये तुम्हारी देवी जी के गर्भ में हो गया, जाओ। तोता को संस्कृत में कहते हैं सुख, यही तुम्हारे घर पर बालक बनकर आएंगे और तुम्हारी भागवत का प्रचार करेंगे, वही सुख सुखदेव बनकर के प्रकट भए हैं और इन्होंने ही भागवत का प्रचार किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।